मॉर्निंग गाइस, आज आप लोगों को दिखाएंगे पूरा भारत का पहला श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, जो कलकत्ता का बड़ा बाजार अंचल में मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में अवस्थित है। आज पहले मेरे समस्त सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को 2026 का सुस्वागतम। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठ गया है, इसलिए वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसलिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा यूट्यूबर फैमिली के लिए किसी भी परिस्थिति में मैं फ्रांसिस मेरा चैनल टुक टुक ट्रैवलर के तरफ से वीडियो पब्लिश करने का कोशिश करूंगा। ये श्री सिद्धि विनायक मंदिर कलकत्ता में जनसाधारण के लिए ओपन हुआ था 28 फरवरी 2020 में, मगर ये सिद्धि विनायक टेम्पल का नींव स्थापन हुआ था 60 दशक में कलकत्ता का महेश्वरी विद्यालय में दो दोस्त का दोस्ती से, जो है मिस्टर राधेश्याम अग्रवाल जी और मिस्टर राधेश्याम गोयंका जी। बड़ा होके दो दोस्त तब मात्र 20,000 रुपए लेके इसी मल्लिक राजबाड़ी का 200 स्क्वायर फीट जायगा में एक बिजनेस शुरू किया था, जो आज इमानी ग्रुप नाम से फेमस है। तब उन्होंने डिसाइड किया था उनका जीवन में सक्सेस के लिए इस स्थान को भगवान को भेंट करेंगे। तब 200 साल पुराना कलकत्ता का फेमस ये मल्लिक राजबाड़ी का कुछ अंश 2015 साल में खरीद लिया था और इसका आर्किटेक्ट डिजाइन को सेम रख के मंदिर बनाने के काम शुरू हुआ था और इनोग्रेशन हुआ था 28 फरवरी 2020 में। इसलिए राजघराना ट्रेडिशन अनुजाई इस मंदिर में ठाकुर दलन अवस्थित है। इस मंदिर का खास बात है, इधर हर रोज प्रसाद दिया जाता है और सबके लिए ये मंदिर का द्वार खुला रहता है। सुबह 5:30 बजे मंदिर का द्वार खुलते हैं और सुबह 5:45 बजे मंगल आरती होता है, सुबह 7 बजे महाआरती होता है, सुबह 9 बजे खिचड़ी भोग दिया जाता है और दोपहर 12:15 में महाभोग होता है और 12:30 बजे से सांच 4:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है, मगर बुधवार मंदिर सब समय खुला रहता है। शाम 5 बजे खिचड़ी भोग होता है और शाम 7 बजे संध्या आरती होता है और शाम 9 बजे सायन आरती होता है। इसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। मुंबई में अवस्थित सिद्धि विनायक टेम्पल में मंगलवार ज्यादा भीड़ होता है और कलकत्ता में इधर बुधवार दिन ज्यादा भीड़ होता है, क्योंकि पूरा दिन ये मंदिर खुला रहता है। इधर गणेश जी का सुंड मुंबई का सिद्धि विनायक जी का जैसा राइट साइड में कर्व है, जो आप लोग देख सकते हैं, और उनके चारिपास में 4 मूषकराज अवस्थित है। बोला जाता है मूषकराज जी का कान में आपका मनोकामना बोलने से वो बात सीधा सिद्धि विनायक जी के पास पहुँच जाता है और मनोकामना पूरा होता है। ये 200 साल मल्लिक राजबाड़ी को अभी नया मार्बल, झाड़बाती, लाइट, पेंट और वुडन से डेकोरेट करके नया मंदिर प्रतिष्ठा किया गया है। मंदिर के अंदर प्रसाद दिया जाता है और बाहर भी खिचड़ी भोग दिया जाता है। इस मंदिर का आरती देखने के लिए बाहर से बहु भक्त इधर आते हैं, मगर ये आरती घर में बैठ के आप लोग लाइव देख सकते हैं, इसलिए आप लोगों को इस मंदिर के वेबसाइट में जाके यूट्यूब लोगों में टैप करना होगा।
इधर सिद्धि विनायक जी का ऑपोजिट में हनुमान जी का मंदिर अवस्थित है, जिधर आके लोग पूजा अर्चना करते हैं। इधर सिद्धि विनायक जी का दो पास में उनका स्त्री रिद्धि और सिद्धि अवस्थित है और उनके ऊपर में शिव पार्वती जी अवस्थित है, जो आप लोग इधर देख सकते हैं। गर्भ गृह में जाके आप लोग सिद्धि विनायक जी का चार पास प्रदक्षिण कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए इधर दो गेट अवस्थित है, एक बड़ा और एक छोटा। पूजा का सामान खरीदने के लिए इधर शॉप का व्यवस्था किया गया है, जिधर आप लोग 100 रुपया से 1000 रुपया का डाला खरीद सकते हैं। और बाहर सूर रखने के लिए अलग काउंटर भी खोला गया है। पीने का पानी का व्यवस्था इधर है और जनसाधारण के सेवा के लिए इधर डायबिटीज क्लिनिक तथा स्वास्थ्य केंद्र खुला गया है, जिधर स्वल्प मूल्य में ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा इधर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर कोर्स का शिक्षा दिया जाता है। एक्सपर्ट का अनुसार ये मंदिर पूरा भारत का पहला सिद्धि विनायक मंदिर है। इसके ऊपर आप लोग मुझको कमेंट करके जानकारी भी दे सकते हैं। इधर आप लोग पूरा फैमिली के साथ एक दिन आके घूम सकते हैं और संध्या आरती का अनुभव ले सकते हैं। ये श्री सिद्धि विनायक टेम्पल अवस्थित है नॉर्थ कोलकाता का बड़ा बाजार तथा जोरासाको अंचल में, जो फेमस मार्बल प्लेस का पास में अवस्थित है। इधर का एड्रेस में वीडियो तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन, जिधर 2 नंबर गेट से निकल के आप लोग पैदल 10 मिनट डिस्टेंस से इधर आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के मुझको मोटिवेट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।